हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगा मारुति जिप्सी में एसी का एक पुराने टाइप का एसी फिटमेंट किया था, उस एसी को निकाल के नया मॉडिफिकेशन किया है और वो कैसे किया है, किस तरह से अभी वो गाड़ी में लग रहा है। दोस्तों, अभी आप ये एसी का कंप्रेसर देख पा रहे हैं, एक एसी का मोटर है जो मारुति जिप्सी में लगा हुआ है और ये ड्राइव लेता है बेल्ट के थ्रू। जैसे कि आपको एक इसके साथ एक कनेक्ट बेल्ट देख पा रहे हैं, ये बेल्ट क्रैंक शाफ्ट पुली के साथ लगी हुई है और इसी के थ्रू जो एसी का मोटर है ये ड्राइव लेता है और हमारा एसी चलता है, ये जो बेल्ट है। दोस्तों, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सबसे पहले कि मारुति जिप्सी जो कंपनी जब गाड़ी लॉन्च करती है तो वो बिना एसी के लॉन्च करती है, आई मीन विदाउट एसी के, उसमें एसी होता नहीं है। तो हमें दोस्तों एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करके उसमें हमें एसी की फिटिंग करवानी पड़ती है। तो उसके लिए सर दोस्तों हमें एक्स्ट्रा खर्चा भी करना पड़ता है। अगर आपको पता है किसी गाड़ी में एसी की फिटमेंट करवानी है तो पैसे तो खर्च होंगे। दोस्तों, ये दोस्तों देखिए, अभी ये कंप्रेसर है एसी का, इसी के थ्रू दोस्तों एसी की मोटर चलती है, बेल्ट के थ्रू जो ड्राइव लेता है। कैबिन में एक बटन लगा दिया गया है दोस्तों ऑन ऑफ का एसी का, जैसे एक नॉर्मल गाड़ी में होता है, तो उसी के थ्रू ही जहाँ पावर का सप्लाई आता है और ये हमारा एसी काम करता है। ये दोस्तों पाइपलाइन है एसी की, ये देखिए दोस्तों, ये जो पाइप है ये कूलिंग वाली पाइप है, जो अभी मैंने अपने हाथ से दिखा पा रहा हूँ आपको, ये कूलिंग वाली पाइप है जो अंदर कैबिन में गई हुई है एसी की। एसी के थ्रू दोस्तों ठंडी हवा जो एसी की अंदर कैबिन में जाती है, जहाँ से दोस्तों इसको कट करना पड़ता है, हमें बॉडी को कट करके जहाँ से अंदर घुसाया है, तो बाद में दोस्तों थोड़ा सा सिलिकॉन लगा दिया है ताकि वहाँ से कोई लीकेज ना हो। तो ये पाइप है दोस्तों, और ये है दोस्तों सिलेंडर, एसी का सिलेंडर जिसके थ्रू हम गैस फिलअप करते हैं, जिसमें सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस रहती है, जो ठंडी गैस रहती है दोस्तों जो एसी में काम करती है। तो ये वो सिलेंडर है दोस्तों जो अभी आप देख पा रहे हैं, और ये है मेरे हाथ में पाइपलाइन एसी की। तो दोस्तों, इसमें एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन हो रखा है एसी, मैंने पहले जैसे आपको बताया कंपनी तो इसमें एसी देती नहीं है, तो हमें एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन करके एसी फिटमेंट करवाना पड़ता है। पर इसमें दोस्तों, हाँ ये दोस्तों अभी मैं आपको लेके आया हूँ कैबिन में, ये दोस्तों देखिए कितना शानदार एसी का फिटमेंट किया है, इतना शानदार फिटमेंट हो रखा है दोस्तों अभी आप देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको पुराने एसी दिखाऊंगा कि जो इस गाड़ी में पुराने एसी था दोस्तों वो यहाँ पे था। अभी मैं अपना हाथ यहाँ पे लगा रहा हूँ ना, तो पुराना एसी का फिटमेंट यहाँ पे था, तो हमने इसको यहाँ से उठा के ऊपर किया है। यहाँ पे होने से दोस्तों क्या था, ये गियर भी वहाँ पे जाके फंसता था, कहीं ना कहीं एसी का जो फैन लगे हुए थे तो इतने पास थे कि गियर चेंज करने में दिक्कत आती थी गाड़ी के, तो यहाँ पे था। तो इसलिए दोस्तों इसको हमने माइंड लगाया कि क्यों ना इसको जहाँ से हटा के दूसरी जगह फिटमेंट किया जाए। तो अभी ये दोस्तों हमने टॉप में जो डैशबोर्ड होता है उसके टॉप में एसी लगा दिया है। तो दोस्तों वैसे कंपनी ने ऑलरेडी जहाँ पे छोटे छोटे होल्स दिए होते हैं ऑलरेडी जहाँ पे फ़ैन होता है, पर दोस्तों उसमें से हमने जो चेक किया मॉडिफिकेशन करके, तो एसी की हवा जो आ रही थी वो कूलिंग बहुत ही कम हो पा रहा था। फिर दोस्तों हमने डिसाइड किया कि हम एसी फिटमेंट करेंगे। ये दोस्तों है जो बटन ऑन ऑफ़ का एसी का, कैसे ऑन ऑफ़ करना है, तीन पोजीशन में है दोस्तों, ये पहले तो ऑफ़ में रहेगा दोस्तों, उसके बाद लो है, उसके बाद मीडियम है, उसके बाद हाई है। तो ये रोटेटिंग रोटेट करने वाला भी है इसमें दोस्तों, ये तीन पोजीशन पे काम करेगा दोस्तों, जैसे नॉर्मल गाड़ी में होता है लो हाई और मीडियम में, और ये भी तीन पोजीशन में है। तो बहुत ही शानदार एसी फिटमेंट हुआ है दोस्तों गाड़ी में, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये नीचे था एसी दोस्तों, मैं इस दूसरी गाड़ी में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये एसी नीचे था, नीचे से कैसे हमने एक दूसरी गाड़ी में ऊपर किया अपना माइंड लगा के, कि क्यों ना क्यों इसको कैसे मॉडिफिकेशन करके। अभी दोस्तों यहाँ से इतनी अच्छी कूलिंग आती है, और जहाँ से क्या है दोस्तों, जो कूलिंग की हवा पूरे कैबिन में फैल जाती है। तो पहले क्या था, नीचे था तो नीचे नीचे ही हवा रहती थी, ऊपर कैबिन में ऊपर तक हवा आ नहीं पाती थी, इतना जल्दी फ्लो नहीं कर पाती थी हवा। तो अभी दोस्तों यहाँ ये होल देखिए दोस्तों, ये है ना, ये ऐसे वाले कंपनी ने दिए होते हैं दोस्तों। तो अभी जो एसी का जो फिटमेंट हुआ है, तो वहाँ से तो दोस्तों फिर कट करने पड़ गए हमें, जो हमने हटा ही दिए, तो एक नया वहाँ पे कटिंग करके जो मॉडिफिकेशन किया गया है। तो ये दोस्तों पुराना है, इसमें से जब हमने पहले इसी में से एसी चलाया था, पर कूलिंग बहुत ही कम हो पा रही थी, फिर हमने डिसाइड किया कि उन्हें कि इस तरह की कुछ मॉडिफिकेशन की जाए। तो दोस्तों इस तरह की मॉडिफिकेशन की है, तो कभी आप अगर मारुति जिप्सी में करवाना चाहें मॉडिफिकेशन, तो थोड़ा डेमो देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से हो रखी है। अभी दोस्तों बड़ी बात है, गियर लीवर बिल्कुल फ्री हो गया। तो पहले क्या था कि गियर लीवर के साथ वो फंसता था उसका, ये वाली चीज़ जब नीचे थी तो कहीं ना कहीं गियर चेंज करने में दिक्कत आ रही थी। तो अभी दोस्तों बिल्कुल बढ़िया है एसी, देखिए दोस्तों कितना शानदार लग रहा है।
ऐसे लग रहा है जैसे किसी लग्जरी गाड़ी में एसी, ऐसे लग ही नहीं रहा है कि ये एसी मॉडिफिकेशन हो रखा है। कटिंग करके दोस्तों बिल्कुल नहीं लग रहा है कि कटिंग करके लगाया गया, ऐसे लग रहा है जैसे ये कंपनी ने ही दिया है। हाँ तो ये है दोस्तों पुराना एसी, जो पुरानी गाड़ी में एसी था, ये देखिए दोस्तों कहाँ पे है, कितना भद्दा लग रहा है दोस्तों, आप खुद देखिए जहाँ पे एसी होने से कितना भद्दा लग रहा था। इससे पहले जो आपने देखा वो कितना ही जेंटल लग रहा था दोस्तों। ये भी मारुति जिप्सी गाड़ी है, तो वो भी मारुति जिप्सी गाड़ी थी। देखिए दोस्तों अभी जहाँ पे गियर चेंज करने में ना, ये गियर ना ऊपर जाके कहीं फंसता था उसके साथ, तो कई बार अपने आप गाड़ी चलती गाड़ी न्यूट्रल हो जाती थी। जब उसके उसका जब चलती गाड़ी का झटका लगता था थोड़ा सा इस फैन का रेगुलेटरों का, तो कहीं ना कहीं न्यूट्रल हो जाती थी गाड़ी कभी कभी। तो ये इसके अंदर होता है दोस्तों, अंदर भी दिखा देता हूँ आपको। वो एक फ़ैन निकाल रखा है हमने आगे से, वो कवर निकाल रखा है फ़ैन का, तो अंदर वही सर कॉइल हैं इसके अंदर, जो एसी की कॉइल्स घुमाई गई हैं कूलिंग वाली। तो अंदर से इस तरह का कुछ सिस्टम है इसके अंदर जो अभी आप देख पा रहे हैं, और सेम जो मैंने पहले आपको ऊपर दिखाया तो वो ऊपर भी सेम ही था दोस्तों। तो दोस्तों ये मॉडिफिकेशन किया है हमने, मेरा दिल था दोस्तों, मन था कि मैं आपको दिखाऊं कि ये कैसे, क्योंकि मारुति जिप्सी में हर किसी को दोस्तों एसी का फिटमेंट करवाना ही पड़ता है अगर कोई एसी की रिक्वायरमेंट चाहता उसमें। तो ये कंपनी इस तरह से देती है हमें, पर ये कुछ इफेक्ट नहीं हुए थे कूलिंग के लिए, तो हमने जो रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मैटर करता है। उसी को देखकर मैं और मोटिवेशन होता हूँ, तो कुछ ना कुछ मैं आपके लिए नया लाने की कोशिश करता ही रहता हूँ दोस्तों, मेरी पूरी कोशिश होती है। पर मैं जो भी दिखाऊँ दोस्तों लाइव दिखाऊँगा आपको। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू फॉर वॉचिंग।